हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम आपको रेजुलम के बारे में कुछ बताएंगे कि रेजुलम में मैं आपको एक आज बड़ा ही सिंपल भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग आउटलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी मतलब जो नॉर्मल स्क्रीन्स लगी है तो उसमें हम लोग आउटलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें सोर्स में हमें चाहिए सॉलिड कलर। सॉलिड कलर चाहिए और एक कोई भी जैसे विजुअल्स ये देख लीजिए। तो हमें क्या आना है आउटलाइन में जाके एडवांस में हमें फिर से इसे न्यू करते हैं और यहाँ से पहले स्लाइस को हमने लेयर वन, हमने जो सॉलिड कर रखना है वो लेयर वन पे रखना है। इट्स गुड। अभी हम स्लाइस का डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट, एंड उसके बाद हमने विड्थ एंड हाइट में इसे माइनस पे करना है। जैसे ही हम लोग माइनस में कहेंगे तो हमारी दोनों तरफ से हमारा विड्थ कम होता रहेगा। हमने जितनी विड्थ यहाँ से कम कर रहे हैं उतने ही विड्थ हमने ऊपर से, तो यहाँ हमने 40 90 20 था तो हमने कम से कम 40 पिक्सल विड्थ नीचे किया है। यहाँ भी हम लोग ऊपर से नीचे भी हम लोग 40 ही से नीचे करते हैं, 40 करते हैं। तो देखिए 40, देन लेयर वन की जगह हम लोग इसे कंपोजिशन करेंगे। तो ये देखिए हमारा चारों तरफ आउटलाइन बन गई है, हमारा मतलब बॉर्डर टाइप बन गया है। देन इसके बाद हम लोग इसे सेव करते हैं। अभी इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद हम लोग देखते हैं आपका कलर, हम कलर में जाते हैं, कलर में इसे टाइमलाइन करते हैं। तो जैसे ही टाइमलाइन करेंगे, आज मैं समझ में नहीं आया आपको, दोबारा देखिए हम लोग यहाँ से कलर का इफेक्ट उठाते हैं, यहाँ कलर में करते हैं, कलर में जाने के बाद हमें HSB पे क्लिक करते हैं और हमें यहाँ सेटिंग, जैसे हमने यहाँ माउस करेंगे तो यहाँ सेटिंग हाईलाइट हो जाएगी, तो यहाँ हमें टाइमलाइन पे आना है। तो टाइमलाइन पे जैसे ही हम लोग आएंगे तो हमारा कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। देखिए ये देख, बॉर्डर के कलर हमसे चेंज हो रहे हैं। अभी इसमें क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ाई जाए, बॉर्डर की स्पीड को अगर बढ़ाएं तो हम लोग यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ से हमें इसकी कितनी स्पीड चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और इसका कलर भी चेंज हो सकता है। और हमें अगर पर्टिकुलर एक सिंगल कलर रखना है तो हम लोग यहाँ हमने स्पीड को जीरो किया एंड देन उसके बाद हमने एक कलर बना लिया कि हमें ये कलर ही चाहिए, हमें ये कलर ही चाहिए, तो हमें वही कलर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग रेजुलम के अंदर ही अपना एक बॉर्डर आउटलाइन
क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।